बिखरी है खुशबू जाने पहचाने से, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या? वाह भाई बहुत अच्छे भाई। हीरे से इज्जत जिसको दी वो मैला सा कंकर निकला। बहुत अच्छे भाई, हटा उसको। वो है ना कि कोई लड़की अगर हॉस्टल में पूछ दे किसी का भी नाम तो यार दोस्त बुरा रहे गुरु बड़ी सुंदर लड़की पूछत रह लिया, क्या बात है। हमारे बहुत प्यारे दान बहादुर साहब को आपके बीच में, दान बहादुर बहुत इस्तकबाल कर रहे हैं आप एक बार, बहुत शुक्रिया। चाहूँगा जी भाई, और मैं यहीं बनारस का ही हूँ और मूलतः आजमगढ़ का हूँ और बीएचयू से ही पढ़ा हूँ। अब ये पूर्वांचल वाले समझ सकते हैं कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो जब दुर्गापुर की लड़की आए तो कितना दर्द होता है। लाख जतन करो पटती नहीं, और उस समय था कि मुँह चू रखते थे, छिलवा लिए तो यार दोस्त मजा लें। तो दो लाइन अपने बारे में बताता हूँ, उस समय लिखा था आप सुना रहा हूँ कि भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं। वाह भाई बहुत अच्छे, अरे फिर बढ़िया भाई। ये दर्द है, हम सबका दर्द है, तो फिर से सुनाता हूँ। भले तुमको लगता है खारे बहुत हैं, गले लग के देखो प्यारे बहुत हैं, और हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे। क्या बात, हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को सवारे बहुत हैं। बहुत अच्छे, वाह हमारे जुनू के कसीदे पढ़ोगे, क्या बात, सलीके से खुद को सवारे बहुत हैं। है तहजीब अपनी जो खामोश है हम, सुनिएगा अपने लोगों के बीच में हूं तो बेहिचक अपनी बात रखता हूं। है तहजीब अपनी जो खामोश है हम, तेवर में हमारे शरारे बहुत हैं। अरे भाई वाह, ये मेरी बात नहीं है, सारे अपने यार दोस्तों की बात थी, अब हाँ सारे आशिकों की बात थी। अब महीना चूंकि फरवरी का है और हम बड़े सच्चे लोग हैं तो एक बात रखता हूं, हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है, और खिताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है, किसी से पूछो जो पूछना, किसी से पूछो जो पूछना है, और रिवाज सारे रटे हुए हैं। बनारसी है ना तो एक ऐठन भी होता है, गुरु हमके मत सिखावा, हमके सब पता है। तो बहुत अच्छे कि रिवाज सारे रटे हुए हैं और पता मुझे है हवन के माने। आहा रिवाज सारे रटे हुए हैं, पता मुझे है हवन के माने, इबादतों में कमी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, इबादतों में अरे भाई वाह कमी न रखते, वाह वाह। अब अगली लाइन आप लोगों की है, उसको सुनिएगा और सबके पूरे सदन की तालियां चाहूंगा कि तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना। क्या बात है भाई वाह, तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना, अरे उचक उचक के तुम ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है। वाह भाई, गवाही तो तुम्हारी सहेली देगी ना, तो उचक उचक के तुम ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है, और सखी से पूछो, और महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, कहीं कहीं निशानियां रह जाती हैं। क्या बात निशानियां रह जाती है। हाँ तो उसी पे है कि महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो, अरे झुकी है पलकें शर्म से उनकी, मुझे से पूछो जो पूछना है। वाह 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 वाह, झुकी है पलकें शर्म से उनकी, मुझे से पूछो जो पूछना है, और किताब में तो नहीं मिलेगा। अच्छा। है कि किताब में तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जिया है जैसा ये इश्क हमने। आहा किताब में तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा,
जिया है जैसा ये इश्क हमने, गुरूर नादान का तुम ही हो, किसी से पूछो जो पूछना है। क्या बात है, क्या बात है। नादान का तुम ही हो, किसी से पूछो जो पूछना है। और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब अगला सुनाना चाहूँगा। और मैं बनारस था तो सपना जी की बड़ी बाहर था तो बहुत बात हो रही थी, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि कुछ सपना जी के लिए जरूर सुनाइएगा। अरे भाई क्या बात है, वाह, सपना जी चली गई। हाँ, सपना जी को अंदाजा हो गया था कि आप उनके लिए सुनाने वाले हैं। अब उनके आने पे ही सुनाएंगे, ठीक है जी। जी, उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये बनारसी हैं, ये कुछ शरारत जरूर करेंगे जी। मैं बहुत अच्छेगा, मैं अगला सुना रहा हूँ। क्या हुआ, सुनिएगा। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का वैलेंटाइन का महीना है तो सभी लोग तो सफल होंगे नहीं, सभी लोग तो सफल होंगे नहीं, तो भाई बहुत अच्छे, कुछ लाइनें उनके लिए भी कि कैसे तसल्ली दे। सुनिएगा, उसका दिल सौदागर निकला है ना, कि अरे यार बहुत खर्चीली थी, फला फला वो भावनात्मक नहीं थी, भावना शून्य थी, पैसे पे बस ये था। तो उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। उसका दिल सौदागर निकला, मुश्किल से मैं बाहर निकला। इससे उससे सबसे था डर, इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला। वाह, अरे बाप रे, शुक्रिया। इससे उससे सबसे था डर, उसका सबसे चक्कर निकला, और झूठे वादे पे ठहरा हूं। झूठे वादे पर ठहरा हूं, ये सावन भी बंजर निकला। ये बेवफाई की इंतहा थी, इंतहा थी। या पूरा घुमाती रही, मतलब सेंट्रल ऑफिस में जाके फीस भी जमा करो, डीन ऑफिस में जाओ, और उसके बहुत अच्छे भाई, वाह। एक बार बिना कंजूसी के एक बार ताली बजा दें आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। दर्द ज्यादा है तो अतला कि मतलब से रखता था रिश्ता। अच्छा, मतलब से रखता था रिश्ता, मैं सबसे कमतर निकला, और खुद को हारा जिसकी खातिर, खुद को हारा जिसकी खातिर, वो अंदर से पत्थर निकला। क्या बात है। और अगले शेर में बहुत दर्द है, सुनिएगा। हीरे सी इज्जत जिसको दी, हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। बहुत अच्छे भाई, हटाओ उसको। हीरे सी इज्जत जिसको दी, वो मैला सा कंकर निकला। अब जो कोई मिल जाता है तो उसके लिए क्या कहना है, कि जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, जिसके हिस्से में तुम आए, वो सबसे ताकतवर निकला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बयान है, सच्चाई है भाई। जिसके हिस्से में तुम आए वो सबसे ताकतवर निकला, उसका दिल सौदागर निकला, क्या बात, मुश्किल से मैं बाहर निकला। अब बनारस के दोस्तों की फरमाइश थी और सपना जी मंच पे नहीं है, फिर मैं सुना देता हूँ। जब तक आप पढ़ रहे हैं, सपना जी को इधर आने के लिए मना किया हुआ है। वो है क्या ना, भाई भी साथ आया है तो थोड़ा सा दिक्कत है। बस वही सुना रहा हूँ, सुनिएगा। अपने लोगों के बीच में हूँ, बेझिझक चीजें सुनाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या। क्या बात है। ये चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्दियों मेरे शहर आए हो क्या, और बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी। क्या बात है। बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या। वाह भाई, बहुत अच्छे भाई। बिखरी है खुशबू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाए हो क्या, और अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं। वो है ना कि कोई लड़की अगर हॉस्टल में पूछ दे किसी का भी नाम, तो यार दोस्त बुरा रहे, गुरु बड़ी सुंदर लड़की पूछत रह लिया, क्या बात है। साला स्टेटस अपने आप ऋतिक रोशन वाला हो जाता है। अरे वाह। तो वही है कि
भाई आज कौन हीरो चल रहा मुझे नहीं पता, हम लोगों के समय में तो वही चलता था। तो क्या बात, अचानक ही चर्चे में आ गया हूं मैं, मेरा पता पूछते हुए शर्माए हो क्या? और अगली लाइन है कि बिजलियां गिरी हैं शहर में नादान, बिजलियां गिरी हैं शहर में नादान, नकाब को चेहरे से सरकाए हो क्या? क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और दो चार शेर और सुनाता हूं। न बादल को झुकाना था, न सागर ही सुखाना था। आह भाई, आशिकों की बात करूंगा, बस सच्चाई रखनी थी प्यार में, चांद तारे नहीं लाने थे। तो न बादल को झुकाना था, न सागर ही सुखाना था, मोहब्बत मुझसे करते हो जमाने को बताना था। आह मोहब्बत मुझसे करते हो जमाने को बताना था, और कई रातें गुजारी हैं अकेली और तन्हाई। अच्छा, कई रातें गुजारी हैं अकेली और तन्हाई, मिले हो बाद मुद्दत के तो पीना और पिलाना था। क्या बात, क्या बात। और अगला शेर है कि सफर जारी रहे अपना, मनाता ये रहा हर पल। ये हॉस्टल वाले लड़के समझते होंगे, जब घर आर से आ रहे हैं तो रास्ते में कोई खूबसूरत चेहरा मिल जाए तो क्या होता है, सारे देवता पूज लिए जाते हैं, भगवान ये आखिरी स्टेशन तक पहुंचे। तो सफर जारी रहे अपना, मनाता ये रहा हर पल, मुसाफिर खूबसूरत था, समय ज्यादा बिताना था। वाह वाह, खूबसूरत था, समय ज्यादा बिताना था। और अगला है कि सुनो तुम भी तो गुजरे हो गुलामी की जहालत से, सुनो अच्छा। तुम भी तो गुजरे हो गुलामी की जहालत से, बिना सोचे कफस से इन परिंदों को उड़ाना था। अरे भाई वाह, क्या बात, वाह। अब एक बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, अब एक गंभीर रचना सुनाता हूँ, अपना स्थान लूंगा, स्वागत, क्योंकि बीएचयू में बैठा हूँ और आगे से लेके पीछे तक सारे पढ़े लोग बहुत ही जागृत दिमाग के लोग हैं, और अगर इनके बीच में ये बात नहीं कहा तो फिर व्यर्थ है मेरा लिखना पढ़ना। बेशक बेशक, और बड़े खामोशी के साथ सुनिएगा, और उसके बाद अगर ये रचना पसंद आए तो मुझे नहीं इस कविता को सम्मान दे दीजिएगा अपनी तालियों से। आए दिन जो समाज में बलात्कार की घटनाएं होती हैं उसी पे लिखा है, और थोड़ा गंभीर विषय है तो मैं मन लगा के सुनिएगा। और होता क्या है कि हम अपनी गलतियों को एक पुरुष होने के नाते सोचता हूँ कि हम कितने कुतर्कों में से उसको ढकने की कोशिश करते हैं कि उसके छोटे कपड़े थे, वो रात के 12 बजे तक टहलती थी, ये अरे ये क्या है। उसी पे सुनाता हूँ कि वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धंसाते हुए अपने असमत की इस्तदा करती, फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा, फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा, बिल्कुल वैसा ही। बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा, फिर क्यों चीर दिया उसके जिस्म को, क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर, फिर क्यों चीर दिया उसके जिस्म को और बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी, हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। धन्यवाद।